लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे 72/4 हो गए जनाब। कार्रवाई शुरू की जाए। कौन है सलामी बल्लेबाज? बत्ती जनाब, बिजली। तेजी से बदलती इस तकनीकी दुनिया में बिजली एक अहम जरूरत हो गई। 10 अक्टूबर 2013 को चेन्नई हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट यानी मूल मानव अधिकार तक घोषित किया। पर इसी बिजली का उत्पादन और वितरण दोनों एक बिजनेस है, व्यापार है। मेरे क्लाइंट लेट मिस्टर सुंदर मोहन त्रिपाठी इसी व्यापार के दांवपेच के शिकार हुए। 10 दिसंबर 2017 को सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत हुई। कारण, सूरज पावर्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ये 54 लाख का बिल जनाब, 54 लाख। SPTL के इस बेबुनियाद बिल की वजह से मेरे क्लाइंट ने आत्महत्या की। तो इंडियन पीनल कोड 1860 सेक्शन 304 और 306 के तहत मैं SPTL पे अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगाता हूं और उनके वितरण लाइसेंस को रद्द करने की मांग करता हूं जनाब। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बढ़िया मिलोर्ड, आज हाईकोर्ट में पहली बार लॉयर नहीं एक कहानीकार आया है। सुना है आपने लॉ करने में 7-8 साल लगा दिए, वो भी किसी लोकल लॉ कॉलेज से? 7.5 साल जनाब, जस्ट टू बी एग्जैक्ट। मिलॉर्ड, SPTL लगातार ना सिर्फ जन कल्याण के हित में अर्जित है बल्कि देश के विकास में भी कार्यरत है। कोई कारण है जो आज तक बिजली के बिल की वजह से किसी की जान नहीं गई? ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है। लेट मिस्टर सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत जरूर हुई लेकिन उसकी वजह SPTL कतई नहीं। IPC सेक्शन 499 के तहत SPTL की ओर से मैं UK प्रिंट एंड पैकेजिंग पर सेक्शन 500 इंडियन पीनल कोड के तहत मानहानि का चार्ज लगाती हूं। तो पंत जी, सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की भी बात कर लें। जी जरूर, फैक्ट्स सब मेरे पास है और आपके होते फिगर की बात मैं कैसे करूं। फैक्ट्स यहां है मिलॉर्ड। 1 जून 2017 को UK प्रिंटर सेलाकुई का इलेक्ट्रिसिटी मीटर शुरू हुआ। जून से लेकर दिसंबर तक उपभोक्ता ने एक भी बिल का भुगतान नहीं किया। ये रही बिल्स की कॉपीज और मेरी स्टेटमेंट की कॉपी। स्टेटमेंट की कॉपी में डेट मिसिंग है गुलनार जी, कैन यू बी मोर केयरफुल द नेक्स्ट टाइम। ओहो ओहो, लगता है कॉलेज में गुलनार जी ये क्लास में जाना भूल ही गई। कोई बात नहीं। आज की डेट ही खराब ठहरी, एक और गया। अरे दिनेश कार्तिक बचा है मैडम, लास्ट बॉल पे छक्का मारेगा ही मारेगा पक्का। हाँ? टेंशन मत लीजिए। थोड़ा पानी और पी लीजिए गुलनार जी। जी थोड़ा पानी और पी लीजिए गुलनार जी। अरे पी लीजिए थोड़ा सा पी लीजिए। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा, इतना सा, थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी, अरे बहुत अच्छा पानी, जितनी जरूरत थी पी चुकी हूँ, आप बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। ठीक इसी तरह जनाब, ठीक इसी तरह मेरे क्लाइंट UK प्रिंटर्स ने SPTL से उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी मांगी जितनी की उनको जरूरत थी। 5 kVA से 3 kVA की लोड शेडिंग की एप्लीकेशन भी डाली और जब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया मेरे क्लाइंट ने बिल नहीं भरा। सही तो है। SPTL के सीनियर इंजीनियर OP श्रीवास्तव के पास जब तक वो एप्लीकेशन पहुंची वो हार्ट कंडीशन की वजह से ऑलरेडी 2 महीने की छुट्टी पे जा चुके हैं। हार्ट कंडीशन, अच्छा दिक्कत बताइए। इनकी लीव एप्लीकेशन और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई दिखाई। हाँ सही है, देखिए मैडम। और उनकी जगह आने वाले TD तिवारी जी के एड हॉक लेटर अपॉइंटमेंट वाले ये रहे जनाब। अगर हार्ट कंडीशन की वजह से काम रुक जाता तो मैं तो गुलनार जी के सामने अपना केस ही प्रेजेंट नहीं कर पाता ना। लॉर्ड रेगुलेटरी कमिश्नर ने DD तिवारी जी को मेमो इशू किया था पेंडिंग काम को लेकर। वाह वाह वाह, एक जान की कीमत एक मेमो, अच्छा है। और मिलॉर्ड, अगर आप लोड शेडिंग के एप्लीकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से कॉलम अधूरे मिलेंगे जो SM त्रिपाठी जी की ही गलती है। इतनी बड़ी भी नहीं मैडम कि उनकी जान चली जाए। और जहां तक गलती की बात ठहरी तो ये देखिए, SPTL में अगर कोई भी इंसान, कोई भी उपभोक्ता कोई कंप्लेंट लिखाना चाहे तो ये, जरा मैडम हेल्प कीजिए प्लीज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेज का फॉर्म भरना पड़ता है।
तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ी, इतनी काबिल, इतनी खूबसूरत गुलनार जी अगर एक डेट डालना भूल सकती हैं, तो बेचारे त्रिपाठी जी एक छोटा सा पिन कोड डालना तो भूल ही सकने वाले ठहरे, है ना जनाब? और जिस पिन कोड को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, उसी पिन कोड यानी सलाकू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के एसपीटीएल इंचार्ज को मैं यहां बुलाना चाहूंगा मिलॉर्ड, प्लीज। ऐसा है ना कि सलाकू इंडस्ट्रियल एरिया जो ठहरा उसका सब स्टेशन वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा अच्छा, अब मौसम और वातावरण के प्रकोप से पावर ट्रिप तो हुई ठहरी, बाकी तो बिजली पूरी आती है जी। अच्छा शास्त्री जी, ये बताइए ये सलाकू इंडस्ट्रियल एरिया जो है अपना, ये कुछ 1999 में बना ठहरा सही? जी बिल्कुल। तो तब उसका पावर रिक्वायरमेंट कितना ठहरा? यही कोई 22 मेगावाट। शाबाश। और पिछले 18 साल में 426 फैक्ट्रियां और नई खुल चुकी है सलाकू एरिया में, लेकिन सब स्टेशन अब भी सिर्फ 22 मेगावाट सप्लाई करता है। सादी भाषा में जनाब, लोड बड़ा है, आधार नहीं। विकास और कल्याण, गुलनार जी कहाँ है? दैट्स ऑल जनाब। मिलोर, मेरे अगले विटनेस हैं सलाकू एरिया में शक्तिमान बिस्किट्स के पंडर प्रसाद। कुछ मोर कुच्ची, बड़ी रिसर्च की तुमने कुच्ची। कुछ कह रहे हैं पंजी? कुछ नहीं। मिलोर, ट्रिप्स तो होता है मैडम जी, पर हमें क्या, अब जो एसपीटीएल का जो इंफ्रा क्या है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वही मैडम, वो तो नंबर वन ठहरा। और जब कभी हमारे पास कोई लंबा चौड़ा बिल आया तो हमने तो भरा बिल। पर मैडम जी, इस वकील का भरोसा मत कीजिएगा इनकी बातों का, ये वकील अव्वल दर्जे का चालू काया और कपटी ठहरा ही है। अरे ओ तो, अब ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। आपको जितना सवाल किया जा रहा है उतना जवाब दीजिए। अरे ये आदमी खुद फेक बिस्किट बेचता है मैडम, बच्चों की सेहत के लिए ज्यादा हानिकारक है। ऑब्जेक्शन, छोटी छोटी तुच्छी बातों में उठाकर प्रोसिक्यूशन लॉयर मुद्दे से हट रहे और अदालत का वक्त जाया कर रहे। अरे छोटे से गवाह भी तो आप ही क्या गुलनार जी, और सही कहा आपने, ये केस एक तुच्छी सी प्रिंटिंग प्रेस के एक छोटे से 54 लाख के बिल का है, जिसकी वजह से एक बेमोल सी जान चली गई, तो क्या फर्क पड़ता है ना। चलो ऑल आउट, ये अदालत कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। लास्ट बॉल पे छक्का पड़ेगा। अरे प्रीति जरा पानी देना बेटा। सुंदर मोहन त्रिपाठी मामले ने पकड़ी धार, पहले दिन की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस गरम। अभी अभी प्राप्त खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सादिकपुर गांव के लोगों ने मुरादाबाद विद्युत भवन के बाहर दिया धरना। उनकी मांग है अपने गांव को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जोड़ने की। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की बिजली कंपनी रिलायंस के बाहर लोगों ने दिया पावर कट्स के खिलाफ धरना। The spark in Uttarakhand has bloomed into fire as 3-session courts give judgment in favor of the consumer. पूरी जिंदगी बड़े बड़े बिल भरते निकली ठहरी, अब कोई लड़ रहा है उम्मीद जागी बल। चार बार बोल गए कनेक्शन जोड़ेंगे पर कोई नहीं आया, घर खरीद के भी अंधेरे में ही रखा है ठहरा एसपीटीएल ने। देश भर के इलेक्ट्रिक कंपनीज के बाहर जनता के भेजे फ्यूज बल्ब्स की भरमार। आम आदमी अब खुल के कह रहा है मुझे शिकायत है। और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में वकील एस के पंत की अपने दोस्त सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत को लेकर मेरे ऑपोजिशन का मानना है मिलोर्ड कि उनके क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी ने आत्महत्या की थी। सच तो यह है कि उन्होंने आत्महत्या इंश्योरेंस के क्लेम के लिए की, और यह साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जीवन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डिस्पर्समेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी भागवत उपाध्याय को। भागवत जी, आपको सुंदर मोहन त्रिपाठी की मौत की खबर कब मिली? वो तो 11 दिसंबर को मिल गई ठहरी, और हमने इंश्योरेंस क्लेम के डिस्पर्समेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया ठहरा, पर जब हम चौथे में गए तब पता चला उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें तो सुसाइड की ठहरी। और ये आपको कैसे पता चला? वो उनकी दोस्त या फिर शायद होने वाली मंगेतर ललिता नौटियाल जी से पुलिस के सामने उनने ऐलान किया था। थैंक यू। तो बात साफ है मिलोर्ड,
सुंदर मोहन त्रिपाठी ने सोच समझ कर कदम उठाया ताकि उनकी मौत के बाद इंश्योरेंस के पैसे से उनके सारे कर्जे चुकाए जा सके, लेकिन आत्महत्या वाले खुलासे ने सारी बात पलट दी। वाह, क्या चप्पल है रिजवी मैडम जी, मिंत्रा की सेल से लिए बल। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सस्टेन्ड। आपको शॉपिंग का मन कर रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले ले। नहीं जनाब, वो क्या है कि बिल की वजह से जान गई, पर ये बीमा के बारे में बात की जा रही है तो मुझे लगा मैं लगे हाथ थोड़ा चप्पल उप्पल का डिस्कशन कर लूं मैडम। ऑर्डर ऑर्डर, सही है। अरे टीवी पे हजार बार आता है जनाब, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, निवेश करने से पहले कृपया निवेश पत्र। ऑर्डर। मेरे क्लाइंट सुंदर मोहन त्रिपाठी इतने बेवकूफ भी नहीं थे जनाब कि इतनी सी बात ना जानते। मिलॉर्ड, 14 दिसंबर को त्रिपाठी परिवार के इंश्योरेंस क्लेम डालते ही अगले दिन 15 दिसंबर को पंत जी ने केस दायर किया एसपीटीएल पर, क्योंकि तब तक इंश्योरेंस कंपनी मुआवजा देने से मुकर चुकी थी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सारे फैसले गुरनान मैडम ही सुनाएंगी, तो यहाँ मैं और आप क्या कर रहे हैं? जस्टेन, ये महज एक इत्तफाक था, सुंदर तो नवंबर से ही केस डालना चाहता था। जिसके लिए पंत जी ने उन्हें मना किया। मिलॉर्ड, मेरे अगले विटनेस है सुशील कुमार पंत। आप पंजी को कटघरे में बुलाना चाहते हैं? मिलॉर्ड, उनके दोस्त होने के नाते मेरे लिए इंपॉर्टेंट विटनेस है। ठीक है, अगर इन्हें मंजूर है तो कोर्ट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट माइंड जनाब, आइए। चप्पल का बताइए। पंत जी उर्फ एसके जी, गुल्लू जी, ये बुलाते हैं ना आपके दोस्त आपको। नवंबर में जब वो दोनों आपके पास आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? खाना वाना खाया, ठहरा, गप्पे शप्पे मारी और चले गए घर। आप दोस्त होती तो आपको और अच्छे से बताता। कैसी दोस्त? जैसे सुंदर था या जैसे ललिता? आपकी दोस्त मतलब? दोनों में क्या फर्क ठहरा गुलनाथ जी? मिलॉर्ड, एसके ललिता सुंदर के बीच आपसी रिश्तों को लेकर तनाव था, इसीलिए ना एसके ने उनकी मदद की और आखिरी के दो महीनों में कोई कॉल किया। और जब आखिरी बार नवंबर में मसूरी के हिल टॉप रेस्टोरेंट में मिले तो उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, केस से फिर हट रही है गुलनार जी। केस पे तो मैं अब आ रही हूं मिलॉर्ड, आपसी तनाव था मोटिव सुसाइड का। ओवररूल्ड। थैंक यू मिलॉर्ड, मगर इस ऑब्जेक्शन ने कोई तार छेड़ा है तो मैं बुलाना चाहूंगी इस तार के दूसरे सिरे यानी ललिता नौटियाल को। सुंदर के साथ आपके क्या ताल्लुकात थे? जी वो मेरा फ्रेंड ठहरा, बचपन का दोस्त। लेकिन भागवत जी ने तो आपको मंगेतर ठहराया बल। लो, आप तो हमारी बोली बोल रही बल। भाषा और लोगों की पहचान है नोटी, ये करके बुलाते थे ना एसके सुंदर आपको। ललिता जी, आपने एक हफ्ते में कैसे डिसाइड कर लिया कि आपको एसके नहीं सुंदर पसंद है? ऑब्जेक्शन जनाब, इसका क्या ताल्लुक है केस से? ओवरऑल, पर्सनल लाइफ एक अहम वजह है सुसाइड के केस के लिए। प्लीज कंटिन्यू। जी, सुंदर लाटा था। लाटा? स्टूपिड गुल्लू, स्टूपिड। दुनियादारी ना आई ठहरी उसे। यानी पंत जी का काइयापन आपको शुरू से पसंद नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने ऐसा कहना चाहा? ऑब्जेक्शन जनाब, गुलनार जी अंतर्यामी हैं, कौन कब क्या कहना चाहता है ये भी जानती हैं। सस्टेन्ड। डिफेंस, जल्दी मुद्दे पे आइए। सॉरी मिलॉर्ड, मुद्दा है मोटिव। सुंदर सुशील ललिता बचपन के दोस्त थे, दोस्ती बदली प्यार में और प्यार बदला जलन में, और इसी जलन की वजह से एसके सुंदर और ललिता से कट गए और उन्होंने अपने दोस्त की मदद नहीं की और अब यहां ही अपने पाप धोने में जुटे हैं और फजूल में वजह बता रहे हैं एसपीटीएल को। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बिल्कुल गलत ठहरी है बात। पैसे वाले दोस्त ना ठहरे, हम जान देते थे एक दूसरे पे, हमारी वजह से जान ना ले सकने वाला ठहरा वो। जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दीजिए ललिता जी। मिस्टर पद, एनी क्वेश्चंस? जी बिल्कुल। और फिर राकेश ने सुनीता को अपनी ओर खींचा, उसकी साड़ी का एक सिरा उलझ गया था गुलाब के कांटों में। कहां और भी है जनाब, ये कहां से मिली आपको? इससे पहले के दोनों के लब टकराते कमरे का कीबोर्ड खुला और दोनों ने क्या देखा? सुरिंदर वहां खड़ा था, आंखें गुलाबी लाल। सॉरी जनाब, सॉरी। देखिए मैं वकील हूँ, सुराग खुद मेरे पास चल के आ जाता है। ये देखिए गुलनार जी ने जो कहानी सुनाई है उसकी प्रेरणा साधु सरिता और सेक्स। ऑर्डर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे कोर्ट में? आपको जो भी कहना है सामने आके कहिए। सॉरी जनाब, निजी मसला 54 लाख के बिल के ऊपर कभी उठाई नहीं जनाब। और यहाँ बाकी जो भी बातें हो रही है ना, इंश्योरेंस, पर्सनल लाइफ, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। आपके लिए सिर्फ एक केस होगा मैडम, हमारे लिए लड़ाई है उम्मीद की।
वहां जहां एसपीटीएल है, और ये मैं साबित करके ही रहूंगा। एक्सॉल जनाब, सूरज पावर्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। कंपनी की प्रतिष्ठा खतरे में आते देख कंपनी के ओनर संजय भदौरिया दिल्ली से यहाँ पहुंच चुके हैं। आज तड़के ही 8-10 घंटे का पावर कट सहने के बाद सलाकी के पास के गांव वालों ने हाईवे नंबर 72 पर चक्का जाम कर आज हर कोई इस केस से उम्मीद लगाए बैठा है। क्या एक मौत ही हिला सकती है पूरे सिस्टम को? प्राइवेट कंपनी या सरकार, कौन जिम्मेदार? जनाब, लघु उद्योग व्यापार सब्सिडी तो यूके प्रिंट्स एंड पैकेजिंग के बिल में कभी जोड़ी ही नहीं गई। अब वो अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें क्या पता कि लघु उद्योग या फिर टाटा बिरला है नहीं? जुलाई से सितंबर तक जी मिगलेक्स नाम की दवाई की डिमांड कम हुई तो डिब्बों की पैकेजिंग और छपाई कम ठहरी, लेकिन बिल बढ़ के ही आता गया। बल जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कल को कह देंगे छपाई ही नहीं हुई। फिर सीधे सीधे दोषी एसपीडीएल के मालिक हैं, और कौन है? इन्हीं की वजह से जान गई है मेरी बेटी। अब मैं बुलाना चाहूंगा एसपीटीएल के मालिक संजय भदौड़िया का, जिनको अपने बिजी स्केड्यूल में से अपना कीमती वक्त निकालकर हेलीकॉप्टर पकड़कर यहां आना पड़ा। जनाब, भदौड़िया साहब, जब बात फॉल्टी मीटर की ही थी तो बस एक मीटर के बदलने से पूरा मसला ही हल हो जाता, फिर एसपीटीएल ने नया मीटर लगाने की जगह चेक मीटर क्यों लगाया? इसलिए कि एसपीटीएल के पास 5 लाख मीटर कम है? जनाब, इतनी बड़ी बिजली कंपनी और मीटर की शॉर्टेज, रेगुलरिटी कमीशन के आदेश अनुसार किसी भी बिजली कंपनी को हमेशा कम से कम 2 लाख मीटर स्टॉक में रखने होते हैं, वो तो दूर की बात, यहां पर तो शॉर्टेज ठहरी। शायद वकील साहब नहीं जानते कि हमारा जो सेक्टर है वो एक लॉस मेकिंग सेक्टर है। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि 2020 तक हमारे लॉसेस 20% से गिरकर 14% हो जाए, और इन लॉसेस की वजह मैं पूरी अदालत को बताना चाहूंगा। गुलनार जी प्लीज। जोरोना, बिजली की चोरी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में यहीं पर होती है। आपको लाइंस खींची गई नजर आती हैं? पंत साहब के मोहल्ले में अगर आप गौर से देखेंगे तो ठीक ऐसी ही लाइंस नजर आएंगी। जिन लोगों के लिए 24 घंटे काम करते हैं, अगर वो हमसे ही चोरी करें तो हम कहां जाएं? सो सॉरी। इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये बात अलग है जनाब कि उत्तराखंड में एसपीटीएल के स्टाफ वालों के 800 घरों में इलेक्ट्रिसिटी ये फ्री में देते हैं, गरीब इंसान के घर में कनेक्शन भी नहीं और स्टाफ को फ्री फंड में। वो छोड़िए, एक बात बताइए कि बेचारे एसपीटीएल के पास औसतन जो 2500 कंप्लेंट रोज आती हैं, उनमें से आप तक कितनी पहुंचती हैं? हमारे पास ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट है, सरकार द्वारा नियुक्त किया गया शिकायत मंच है, रेगुलेटरी कमीशन है, और सबसे ज्यादा हमारे होनहार काबिल एम्प्लॉई हैं जो आपकी कंपनी के ऐसे ही होनहार काबिल एम्प्लॉई ने इस केस को कैसे हैंडल किया, अब हम आपको वो दिखाते हैं, क्योंकि एक वीडियो तो हमारा भी बनता है ना सर। ध्यान से देखिएगा गुलनार जी, आप ही के लिए है उपरेती। दाम तय किया तुम्हारा 10 लाख।
छोटा मुंह बड़ी बात सरकार पर महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से GST और लग गया, तो 2% से 4% तो हो ही सकने वाला ठहराना पड़े। हाँ उतना जितना पचे पंत जी, चलिए 20 लाख। दाल रोटी तो हो जाती है, पर कभी कभी ये फॉरन वाला लॉलीपॉप भी खाने का मन करता है सर, प्लीज। 25 लाख फाइनल, बात यहीं खत्म करते हैं। एक 2% के वकील को खरीदने की जगह अगर आपकी कंपनी ने 2 लाख मीटर खरीद लिए होते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे पिछले महीने सुना आपके पिताजी का निधन हो गया है, बहुत बुरा लगा सुन के। आपको कैसे मालूम? क्या बात कर रहे हैं सर, दैनिक जागरण, भास्कर, हिंदुस्तान और जितने भी बड़े पेपर्स हैं सब में ऑब्चुरी पड़ी ठहरी, लेकिन वो प्रभात चिंगारी में ऐड नहीं दिया आपने, क्यों? क्योंकि ये मेरा निजी मामला है और वैसे भी वो पेपर कोई नहीं पढ़ता। शाबाश, प्रभात चिंगारी कोई नहीं पढ़ता, लेकिन SPTL को टैरिफ के लिए जब ऐड डालना होता है तो प्रभात चिंगारी में ही डालते हैं जनाब। एक आखिरी सवाल, वो मीटर के अंदर जो 24 घंटे छोटी सी लाइट जलती रहती है वो वहां क्यों है? हमारी कंपनी के मीटर सिर्फ रेप्यूटेड कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं जैसे DR, वेन्यू और कभी कभी कंज्यूमर के मीटर्स। वो लाइट कंज्यूमर को हमेशा अंधेरे में रखने के लिए ही लगाई गई है जनाब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डायरेक्ट अटैक नो प्रूफ, एक छोटी सी लाइट से कोई क्या कमा लेगा? अंडरस्टैंड। इस बात का जवाब भी भदौड़िया साहब ही देंगे। तो उस छोटी सी लाइट का पर डे कंज्यूमर को कितना खर्चा पड़ता होगा भदौड़िया साहब? यही कोई 4.5-5 पैसा। 5 पैसा एक दिन का, 4 करोड़ उपभोक्ता, तो कितना पैसा हो गया? 0 हम जैसों से बेहतर तो आप ही गिनना जानते होंगे। तो महीने का कितना कमाया आपने और साल का कितना कमाया SPTL ने? 73 करोड़ एक छोटी सी लाइट का, जिसकी किसी को जरूरत है ही नहीं। बढ़िया, कमाल ही ठहरा जनाब। एक लॉस मेकिंग कंपनी 73 करोड़ का मुनाफा कमाती है एक फालतू सी लाइट से, लेकिन फॉल्टी मीटर चेंज करने के लिए उनके पास 1000 रुपए भी नहीं है। फिर उसकी वजह से किसी बेमोल की जाने क्यों ना चली जाए। अब ना ही भदौड़िया साहब के पास कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही गुलनार जी के पास कोई नया झूठा सच। ये केस जनाब पानी की तरह साफ है, दैट्स ऑल। Order, order, order.